तो आज हम यह बात करने वाले हैं कुछ महान गधों के बारे में, कुछ ऐसे लोग जो चाहते हैं कि भला किसी का ना हो, भैया जो चीज़ है ना हमारी हो जाए हमेशा के लिए। कुछ ऐसे महान गधे लोग हैं जिनके बारे में आज यहाँ मैं बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको पता है मैंने आपको रेड डेड रिडेम्पशन 2 का अकाउंट दिया था, स्टीम अकाउंट, और मैंने आपको दिया था रेसिडेंट इविल विलेज, और अभी कुछ दिन पहले दिया था मैंने आपको राइज़ सन ऑफ रोम का अकाउंट। तो मेरे पास कई सारे कमेंट आए कि जो अकाउंट है तुम्हारा रेड डेड रिडेम्पशन 2 का, उसमें किसी ने लगा दिया है स्टीम गार्ड कोड। अब यहाँ पे बात यह है, वो स्टीम गार्ड कोड लगने के बाद मेरे पास आता है एक मैसेज, किसी लालची इंसान ने जो तुम्हारा पासवर्ड है उसको चेंज करने की कोशिश करी है। फिर मैं समझ गया कि अभी टाइम आ चुका है पासवर्ड चेंज करने का अकाउंट के, तो मैंने वहाँ पे जो अकाउंट का पासवर्ड है उसे चेंज कर दिया कि जो लोग हैं ना उसको फिर से ना करें कोशिश हैक करने की। तो मैंने यहाँ पे इसका पासवर्ड चेंज कर दिया। अब देखो यहाँ पे आप भी मेरी बात समझो, मैंने यहाँ अकाउंट दिया, यहाँ गेम पे मैंने पैसे खर्च करे हैं। यहाँ कोई आपको पता है जो गेम है रेड रिडेम्पशन 2, अभी 2000 का गेम है, 2000 रुपये का गेम है जो मैंने ख़रीदा था। तो ऐसे कोई भी गेम परचेस करे और तुमको दे दे, आप लोगों को दे दे, और फिर कोई गधा आके उस अकाउंट को उसे हैक करेगा, तो ये चीज़ मैं नहीं चाहता कि जो मेरे पैसे हैं मैंने लगाए हैं वो कुछ ऐसे वाहियात लोगों के हाथ में लगे। बात यहाँ की नहीं है, यहाँ बात करूँगा मैं रेसिडेंट इविल विलेज की। यहाँ पे कुछ दिन पहले किसी ने वो अकाउंट हैक कर लिया। एक तो तुमको यहाँ अकाउंट मैं दे रहा हूँ खुद परचेस करके, अकाउंट में मेरा नाम भी लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी तुम चाहते हो कि अकाउंट मेरा हो जाए कोई ना खेले। कुछ लोग पासवर्ड चेंज कर देते हैं, कुछ लोग गेम को हाइड कर देते हैं, कुछ लोग यहाँ पे जो छोटे मोटे बच्चे आ गए हैं आजकल मार्केट में जो हैकर हैं, छोटे मोटे जूनियर भी नहीं है, पिद्दी कुछ टूल लगा के फैमिली पिन पता कर लेते हैं और फिर चेंज कर लेते हैं पासवर्ड, ऐसा ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे किसी ने मेरी रेसिडेंट इविल विलेज का अकाउंट की जो ईमेल आईडी है उसको चेंज कर दिया, लेकिन थैंक्स टू स्टीम आई गॉट माय अकाउंट बैक, मेरा अकाउंट वापस आ गया। मैंने यहाँ बात करी स्टीम से तो उसने मेरा अकाउंट वापस कर दिया। उसने कहा कि अपना अकाउंट की डिटेल्स किसी को मत दो, मैंने फिर भी दे दिया वहाँ पे। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे मेरे पास फिर एक रिक्वेस्ट आती है कि किसी गधे ने कोशिश करी है मेरा अकाउंट का पासवर्ड चेंज करने की। मैंने कहा छोड़ो, और आज क्या हुआ, जो मैंने आपको दिया था परसों अकाउंट किसका, राइज़ सन ऑफ रोम का, कि सब खेल लें, मेरे पास उसमें भी एक रिक्वेस्ट आई कि किसी ने कोशिश करी है कोई गेम परचेस करने की तुम्हारे अकाउंट से, लेकिन यहाँ बात ही है कि पेमेंट नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे जो मेरा पेटीएम है ना वो ऐड नहीं था। मतलब हद है हमारे पने की, ये सबसे बहुत परेशान हो जाता हूँ मैं कि एक तो भलाई करो पर ये सब देखो। अब यहाँ पे मैंने ये सोचा था कि मैं गिव अवे करता हूँ, गिव अवे कुछ ऐसा करा जाए कि सबको मिल जाए कोई चीज़, कि मान लो 10 लोग हैं, 10 में से गिव अवे मिलेगा 2 लोगों को, 3 लोगों को, और फिर जो 7 लोग हैं वो नाराज़ होंगे, उदास होंगे। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा करा जाए कि सबका भला एक बार में हो जाए, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो भला नहीं होने देते। अब मैं क्या करूँ, कुछ लोग कहते हैं कि तुम फ्रॉड करते हो, कि तुमने अकाउंट दे दिया फिर इनको जाके तुम डिस्कॉर्ड पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे फ्रॉड करते हो, स्कैम करते हो। मतलब ये पता नहीं लोग कैसे आ चुके हैं, लोगों की ये बुद्धि है ना बिल्कुल बिल्कुल घटिया हो चुकी है, लोगों में कुछ सेंस नहीं रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। ये चाहते हैं जो चीज़ है हमारी हो जाए हमेशा के लिए और कोई उसको यूज़ ना करे। You serious? और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, वो है मैच्योरिटी। आज के टाइम पे बच्चों में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, उनको नहीं पता क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, जिसके बारे में उनको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब ये चीज़ें आती हैं एक्सपीरियंस से, जब आप बड़े होगे, जब आप देखोगे दुनिया कैसी है, तो दुनिया बताऊँ मैं आपको बहुत ही बुरी हो चुकी है जो आप देख रहे हो आजकल। ये तो छोटे मोटे अटैक हैं, लेकिन यहाँ पर दुनिया में बहुत बड़े बड़े अटैक होते हैं, साइबर अटैक होते हैं, जो एक बार में चुटकियों में करोड़ों अरबों रुपए उड़ा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप
अपनी कोई भी किसी चीज़ की भी डिटेल, चाहे आपका कोई भी अकाउंट हो, चाहे वो आपका स्कीम अकाउंट, एपिक अकाउंट या फिर आपकी बैंक डिटेल क्यों ना हो, वो बिल्कुल भी पब्लिक ना करें। और करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी देखने को। मतलब लोग इतने गिर चुके हैं, क्या बताऊँ। उम्मीद है आप सेफ रहोगे, और मैं यही कहना चाहूँगा वीडियो में, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाय।